हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज हम जा रहे हैं मेरे गांव। तो सीकर से जब निकले तो बीच में आता है मामा का होटल, तो हम खाना वाना खा के निकले थे। अब यहाँ रुक गए चाय पीने के लिए, केसर वाली चाय पी रहे हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ही केसर डाल दी गई है। और बाकी मोनिका भी है साथ में, कमल है, पापा जी हैं, मामा भी हैं। फिर हम जाएंगे गाँव, तो आज हम आपको दिखाते हैं फिर मेरा गाँव। अब चलते हैं गांव और राजा भी चल रहा है हमारे साथ, तो मैं चलाऊंगी आज राजा की थार। देखते हैं कि ये जो थार का इतना हवा है वो ऐसा क्या बात है इसमें। आज होगी थार की टेस्ट ड्राइव। शिल्पा आगे गाड़ी चला के लेके जा रही है गांव के लिए थार, अभी उसकी रीले बन रही हैं। तो आ गए हम लोग मेरे गांव। यहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पे वो बहुत बड़ा गांव का मंदिर है। और फिर जैसे ये गांव का गुआड बोलते हैं, जो मेन सेंटर ऑफ गांव। आप देख सकते हो बहुत सारी गाय वाय बैठी है। और वहाँ आगे जाके आता है मेरा घर, तो फिर अब चलते हैं हमारे घर। तो आ गए मेरे गांव के घर। तो यहाँ से शुरू होता है हमारे घर की शुरुआत। तो आ जाओ फिर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या है और कौन कौन कहाँ कहाँ रहता था। तो ये है मेरे गांव की हवेली। यहाँ पे हम सबके बहुत सारे, जैसे मेरे जितने भी ताऊजी वगैरह हुआ करते थे, हम पहले सारे एक साथ ही रहते थे। तो हम सबके अलग अलग जैसे घर वगैरह हैं। और ये जो हमारा घर है वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इस गाँव का सबसे पुराना घर है। एक टाइम पे सिर्फ यही घर हुआ करता था इस गाँव में, उसके बाद और बने। तो अब आप सोच रहे हो कितना पुराना घर है। तो ये वाला जो घर है, ये जो हवेली है, ये 180 साल पुरानी है। और ये जो पीछे आप जांटी देख रहे हैं, राजस्थान में, मतलब ये जो बहुत फेमस पेड़ है राजस्थान का, इसको जांटी बोलते हैं। और ये जो जांटी है ये है 200 साल पुरानी, 205 टू बी एग्जैक्ट। और यहाँ से मैं ना लटक रही थी बचपन में, मैं खेला करती थी इसकी टहनी पे लटक के। तो वो वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे मैं खड़ी होके और फिर ऐसे झूलती थी। और एक दिन वो टहनी टूट गई तो मैं गिर भी गई थी। और फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही थी 3 से 5 दिन के आसपास। तो यहाँ पे मेरी एक ये मेमोरी जुड़ी हुई है बचपन की। आ गए, ये है हमारा जैसे मेन घर। तो ये जैसे पूरा एक घर है, इसमें भी दो पोर्शन है। ये इधर जो है वो मेरे ताऊ जी का था और ये वाला हमारा था। ये जिनका घर था उनके घर पे भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में, उनसे मिलवाऊंगी मैं आपको। बाकी ये वाला जैसे पोर्शन है ये हमारा हुआ करता था। यहाँ से जैसे ये चूल्हा हुआ करता था, उस पर खाना बनाते थे। वहां अंदर एक रूम है, ये हमारी किचन हुआ करती थी। देखो दरवाजा कितना छोटा है, मेरी हाइट जितना ही है बस। और उसके अलावा ये यहाँ पे बाथरूम था, ये यहाँ पे एक और गेस्ट रूम आप बोल सकते हो। और फिर यहाँ से छत आती है ऊपर, मेरे पापा मम्मी का रूम था जिसमें हम सारे रहते थे। हॉस्पिटल जैसे थे, डिलीवरी हुई हॉस्पिटल में, हाँ। 5 दिन बाद में 2 महीने जापा में रहते हैं, तो इसी का दर्द बड़ी हुई है। अच्छा, तो पैदा होने के बाद 2 महीने में यहाँ पे रही, इसी कमरे में रही। हाँ, और बाकी ऊपर आपका रूम है ना, चलो आपका रूम दिखाओ आप। 2 महीने के बाद ऊपर रूम है, हाँ। वहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ पे सचिन मुझे शूट करते हुए शूट कर रहे हैं। और ये इस बेडरूम में 8 साल इसका गेट देख, ऊपर वाली बोल रही थी। हाँ, ये है इस कमरे में हमने निकाले जीवन के 8 साल, मैंने मतलब पापा जी ने तो बहुत साल निकाले। राजा खड़ा हो रहा है तब तो ये बहुत ही छोटा लग रहा है गेट। पहले दरवाजे तो वो पीछे एक चढ़ा है, हाँ। नीम के पास है ना वो, हाँ। 17 टहने वालों पहले और बचपन में जब भी शादियां वगैरह होती थी, गांव वगैरह आते थे, तो यहाँ छत पे लाइन से सारे गद्दे लग जाते थे और फिर सब लोग यहीं सोते थे। लाइट जाती तो यहीं सोते थे, हाँ लाइट जाती तो भी यहीं सोते थे। और बारिश और आंधी आए तब क्या करें, तो अंदर भागो। ये भी हमारे दूसरे ताऊजी वगैरह के घर है, वो वहाँ पे भाभियाँ वगैरह खड़ी हैं। और ये भी अगेन, फिर जैसे हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो ये एक दादाजी का ताऊजी वगैरह का घर ये है, फिर एक का ये है, फिर एक का ये है, फिर एक का वो आगे वाला है। और ये यहाँ पे ताऊजी खड़े हैं और वहाँ पे भी एक ताऊजी खड़े हैं। और ये यहाँ पे एक और बेडरूम है, वो रहा कमल। हरी छतें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो बचपन में एकदम ऐसे खेल रहता था कि यहाँ से कूद के वहाँ चले गए, वहाँ से कूद के उनके घर चले गए। तो मतलब ऐसे फीलिंग होती थी कि दूसरे दूसरे घर में आ गए, तो बड़े मजे आते थे। तो शिल्पा गांव में शूटिंग करके कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप बताओ आपको अपने एक्चुअल जो ससुराल है उसमें आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे 2-3 बार आ चुका हूँ गाइस। बड़ा अच्छा लगता है गांव में आके, जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में भी बताया, ऐसा लगता है जैसे कोई थोड़ा सा यू नो 100-200 साल पीछे चल गए हो। हाँ, तो वही है जैसा था दादाजी वगैरह ने जैसा बनाया वैसा ही रखा हुआ, आपको देख के पूरा समझ आ ही रहा होगा।
क्योंकि बचपन में हम लोग रहते थे, जैसे मैं आई थिंक 8 या 10 साल की थी तब तक हम रहते थे गांव में ही रहते थे, और मैं जो बेसिक मेरी स्कूलिंग है वो भी मैंने यहाँ गांव से ही करी है, तो वो स्कूल्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बाकी वो गेट ही नहीं, ये खिड़कियां भी देखो दोनों कितनी छोटी छोटी है, ये जो एक्चुअल थी वो थी, फिर ये जो दो बड़ी आपको दिख रही है थोड़ी ढंग से हवा आ जाए इसके लिए ये बाद में बनवाई थी। तो अब चलते हैं और देखते हैं हमारा बेडरूम जिसमें मैंने निकाले अपनी जिंदगी के 10 साल। तो आ जाओ, सर का ध्यान रखना भाई शिल्पा। हाँ, इसके भी दरवाजे वैसे ही हैं। हाँ, वैसे ही है, ये भी बात का ठंडा हुआ है। हाँ, तो ये देख लो, ये है हमारा बेडरूम। जैसे यहाँ पे आते ही है यहाँ पे ना मिरर वगैरह लगा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह रहता था और शेविंग वगैरह का, पापा जी का, मम्मी के जो भी क्रीम पाउडर वगैरह सब होते थे यहाँ पे। जैसे मैं बहुत सारी फोटोज वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे सारी, तो वो जैसे मम्मी वगैरह की, पापा जी वगैरह की जो भी पहले की फोटो थी वो फिर हम अब ले गए जहाँ हम रहते हैं वहाँ। और ये रूम बचपन में इतना बड़ा लगा करता था अब आते हैं तो एकदम छोटा सा लगता है। और वो मंडावा कोठी में गए थे वहाँ पे थे ना ऐसे इसी पैटर्न में। हाँ, वही वही, इनको ढोला कुछ ऐसे बोलते हैं, ढोला। बोल दीजिए छोटा लग रहा है, छोटा नहीं लग रहा, पहले इतना ही बड़ा कमरा था। अच्छा, गेट था, एक हमारा अलग है, ये दीवार तोड़ के फिर मैंने ये बाद में बनाया। ओहो, अच्छा, फोटो लाए इसलिए। अच्छा, इसलिए ये कमरा अलग था, इस कमरे का अंदर दूसरा कमरा था। और यहाँ पे भी एक अलमारी हुआ करती थी जिसमें हम सबके कपड़े रहते थे, और सोचो इस बेड पे हम पांचों लोग सोया करते थे। और यहाँ पे ना एक वो टेबल फैन होता था, यहाँ पे फैन नहीं थे तो टेबल फैन होता था, उसी से मतलब वो हवा आती थी। बाकी ये दोनों आमने सामने की खिड़कियां खोल देते थे वेंटिलेशन के लिए। और इस बेड से तो मैं इतना नीचे गिर के सोते सोते नींदों में और इस बेड के नीचे चली जाया करती थी। और बाकी बेड के साथ में जैसे वो नहीं होते सोफे होते हैं रूम्स में, तो हमारा मुड्ढा भी हुआ करता था, तो किसी को अगर बेड से सो के बोर हो गए तो मुड्ढे पे बैठ भी सकते थे और अगर ज्यादा बोर हो गए तो बाहर जाओ, फ्रेश एयर लो। काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ये वाला आर्किटेक्चर इसको सपोर्ट देने के लिए करते थे शायद, नहीं? हाँ। और ये यहाँ पे है मेरी मम्मी की श्रृंगार पेटी, इसमें मम्मी सारे अपने क्रीम पाउडर वगैरह रखा करती थी। तो मम्मी जब भी ऐसे लगाती थी तो मेरा बड़ा मन करता था लगाने का, फिर मैं जैसे मम्मी नहीं होती थी रूम में तो मैं चुपके से है ना क्रीम वगैरह लगाया करती थी मम्मी से चुपके। वे छत से सारे वीडियो बन चुके हैं, अब शिल्पा चल रही है नीचे। अब क्या दिखाओगी शिल्पा नेक्स्ट आइटम? अब मैं आपको दिखाऊंगी किचन और गेस्ट रूम। तो सचिन, किचन में क्या बना के पिलाओगी? आपने बताया था ना अपना रूम जिसमें आप पैदा हुए थे। हाँ। मैं इस रूम में पैदा तो नहीं हुई लेकिन पैदा होने के बाद इस रूम में आके रही थी। हाँ। तो अभी तो अंधेरा है, देखते लाइट जलाती। हाँ, हाँ, लाइट है भैया, पंखा चल गया शिल्पा, पंखा चल गया, ठंडी। तो ये है जहाँ पे मैं पैदा होने के बाद मैं कुछ टाइम रही थी, इसको जैसे साड़ बोलते हैं। तो ये बेसिकली गेस्ट रूम होता है लेकिन हमारे जैसे जो मेरे दादाजी थे वो इसमें सबसे ज्यादा रहा करते थे। एक तो ये है हमारी किचन, काफी बड़ी किचन है एक्चुअली, जो हमारा जर्मनी में घर है उससे तो काफी ज्यादा बड़ी है। तो ये किचन में भी यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह बनवा दिया था पापा ने। बाकी ये किचन में यहाँ पे आटा पीसने की मशीन रखी हुई है, ये हमारे सीकर में भी ऐसी, हम लोग घर पे ही आटा पीस के खाते हैं। बाकी वहाँ पे थोड़ा सा मंदिर है, वहाँ पे मेरे दादाजी की फोटो रखी हुई है, कुछ भगवान की मूर्तियां वगैरह रखी हुई है। तो ये हुआ करती थी हमारी किचन। फिर इसको आप तिबारा बोल सकते हो, यहाँ पे जैसे लेडीज वगैरह बैठ के अपनी कचेरी वचेरी कर ली, सब्जी वगैरह काटने के काम कर लिए, कुछ भी और घर के काम है वो सब कर लिए। और यहाँ पे भी एक रूम है, ये मेरी दादी का रूम हुआ करता था। तो ये तो हो गया घर, अब घर में बाथरूम कहाँ है? लेकिन अटैच है क्या बाथरूम शिल्पा? अटैच बाथरूम बिल्कुल नहीं है, काफी ज्यादा डिटैच है। ये तो जर्मन कल्चर हो गया जर्मन से भी एक स्टेप आगे है। तो ये पूरा घर है और वहाँ आपको वो दो दरवाजे दिख रहे होंगे वो है बाथरूम। तो जैसे यहाँ रहते हैं और अगर बाथरूम जाना है तो सोचो वहाँ उतना दूर जाना। वैसे सही है, बढ़िया, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। मैं यही बोलने वाली थी कि दिन में थोड़ी वॉक तो बाथरूम जाने के चक्कर में हो जाए। तो जैसे गांव वगैरह में पहले ऑफकोर्स बाथरूम बाहर ही होने का कल्चर था, क्या आपके गाँव में भी ऐसा ही था? ये आप मेरे को बताना। और बाकी हाँ, और फिर वो आगे उधर पीछे वो है नोरा बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे जैसे गांव में जैसे बकरियाँ गाय भैंसे जो भी आप रखते हो वो उसमें बांध के रखते हैं, तो हम लोग भी रखा करते थे। अब तो नहीं है बट ताऊजी वगैरह की हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बाकी ये अगेन यहाँ पे और बाकी मेरे ताऊजियों के सबके घर हैं, और ये वाला जो हम अभी हमारा बेडरूम देख के आए वो है। दोनों ताइयां शिकायत कर रही है कि अपने वीडियो बनाने में लगी हो, बैठ नहीं रही हमारे पास, तो अब मैं थोड़ी देर इनके पास बैठूंगी। और बाकी गांव की सबसे बड़ी अच्छी और सबसे मस्त चीज होती है चूल्हा,
क्योंकि चूल्हे पे जो भी चीज बनती है वो एकदम बेस्ट लगती है। तो यहाँ पे अभी भी ये ताई लोग सारे चूल्हे पे बनाते हैं खाना, तो अभी शायद दूध गर्म हो रहा है मस्त एकदम देसी स्टाइल चूल्हा, और सर्दियों में आग में तपोवन। गाँव आए थे हम लोग तो रवीना को बहुत भूख लगी हुई थी, तो ये ताई जी ने राबड़ी जो होती है ना बाजरे की बनती है राबड़ी और बाजरे की रोटी दी उसको खाने के लिए, तब से वो इतनी फैन हो गई, अब उसको मतलब आए दिन बाजरे की रोटी और राबड़ी चाहिए होती है। तो गाइज आप लोग भी बताओ कि अगर आप बाजरे की रोटी खाते हो क्या, और खाते हो तो कौन खाते हो तो कौन से शहर में खाते हो, और राबड़ी के साथ में कभी खाई है क्या, अगर नहीं खाई तो पक्का पक्का खानी चाहिए। तो अभी मैंने देखा यहाँ पे दो टाइप की चारपाई रखी हुई है, तो ये वाली है इसको बोलते हैं खाट या चारपाई, और ये बड़े पागे वाली है इसको बोलते हैं डेला। तो क्या आपके गांव में भी ऐसे होती है दो टाइप की, और इसका क्या पर्पस है, मतलब ये हाइट में डिफरेंस क्यों है वो आप मेरे को बताओ। वाह बात भी सही है, ताइयों ने यहाँ पे धर लिया कि गांव आए हो तो जो वो होता है ना ओहो चांदी चांदी अमीरी हो गई एकदम। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, जैसे दादी के नानी के इन सबके घर जाओ तो पैसे मिलते हैं। तो अब ताऊ जी बोल रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, तो देख लेते हैं क्या दिखाने वाले हैं। ये 200 साल पुराना माचा है हमारे परदादे की शादी का। वाह, आजकल के बेड्स वगैरह में हो सकती है क्या इतनी ड्यूरेबिलिटी, मतलब 200 साल से चल रही है ये चारपाई। ये देखो इसने कैसे बनाया भाई, ऐसे बनाया भाई, जैसे भाई दिखाएंगे भाई कैसे चल रहा है 200 साल से। तो ये है मेरे गांव का घर, तो गांव के घर अब तो जैसे काफी कम हो गया आना, क्योंकि हम लोग भी जैसे बाहर रहते हैं, बट जितनी बार भी आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि हम लोग पूरी बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी, और हम सारे ही मतलब इस घर में रहा करते थे शुरू में, जैसे 8-10 साल मैंने आपको बताया, तो बहुत सारी मेमोरीज है, जैसे सारे फैमिली वाले इकट्ठे होकर रात में यहाँ खाना वगैरह बनाते थे, साथ में खाते थे, फिर जैसे जो टीटे होते हैं ये सारे गेम खेलना जो पत्थर और बॉल से खेले जाते हैं, फिर से तौलिया जो वो मार के वो वाले गेम, और फिर जैसे सैटरडे संडे ना शक्तिमान और ये सब आता था बचपन में शक्ल का बूम बूम, तो पूरा परिवार मतलब इकट्ठा सारे बच्चे ऐसे आवाज लगाया करते थे आगे आगे आ जाओ, फिर सारे मतलब इकट्ठे होके देखा करते थे, तो बहुत ही सारी यादें हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है गाँव आके और एकदम उस टाइम में पहुँच गए, काश मतलब वैसे ही अभी भी रहने को मिलता था कितना मजा आता। बाकी आप लोग बताइए आप में से जैसे कितने सारे हो जो मतलब बेसिकली किसी गांव से बिलोंग करते हो, और क्या आप अभी भी कनेक्टेड हो, गांव जा पाते हो जाते हो तो कैसा लगता है, और क्या आपको भी मतलब ये सारा लगता है जुड़ाव महसूस होना और पुराने टाइम में पहुंच जाना, तो आपकी भी अगर कुछ भी अच्छी मेमोरीज है गांव से रिलेटेड तो वो आप शेयर कीजिए हमारे साथ। तो अब निकलते हैं यहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गांव की स्कूल, और उसके बाद में चलते हैं एक और अंकल के घर, तो वो सुबह से वेट कर रहे हैं तो बहुत लेट हो गया, तो अब चलते हैं फिर उनके पास। तो ये है हमारे गांव का स्कूल, तो इस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, कुछ क्लास मुझे याद है जब वो टेबल वगैरह सिखाते थे ना तो वो मैंने यहीं पर सीखा है, और बाकी एक स्कूल तो ये है, और एक ना इधर जाके आगे की साइड आती हूँ मैं बाहर निकल के, तो वो स्कूल में भी पढ़ी हूँ कुछ साल,